हल्द्वानी के जज फॉर्म स्थित समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित राजकीय विकलांग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र दिव्यांगों को नई राह दिखाने और रोजगार देने के लिए हर साल मोमबत्ती बनाने और कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण देता है। यहां दूर दूर से आने वाले दिव्यांगों को प्रशिक्षण के साथ रोजगार उत्पन्न करने के गुर भी सिखाए जाते हैं। यही नहीं, यहाँ से तैयार होने वाली सामग्री से दिव्यांगों को भत्ता दिया जाता है ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षकों का कहना है कि यहाँ से कई दिव्यांग बैंक और सरकारी विभागों में कार्यरत हो गए हैं। इससे आने वाले नए दिव्यांगों में उत्साह देखने को मिलता है। दीपावली को लेकर दिव्यांगों ने मोमबत्ती तैयार कर ली है, जिसे विभाग की ओर से स्टॉल के माध्यम से जगह जगह पर बेचा जा रहा है। समथिंग 90 से हूँ, 1990 से 2 साल की मैंने ट्रेनिंग की है इसमें, पहले सिंडिकेट में, फिर उसके बाद में इसमें बैंक में मैं रसोई के पद में उसमें लगा है। उसमें 150 रुपये महीना मिलता था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा है। तो उसके बाद फिर बाद में 2012 में उसे परमानेंट हुआ और उसके लागे भी मिले थे 6-7 किलोमीटर से महसूस कर रहा है। पहले मतलब थोड़ी बहुत परेशानी होती थी, उसमें पैसा कम भी था, उसके लिए मुझे दिक्कत होती थी। अब जाकर के तब अच्छा ही हो रहा है। मैं यहाँ कोर्स लगा हूँ कंप्यूटर का, तो अभी काम भी चल रहा है यहाँ ये मोमबत्तियों का, तो पढ़ाई भी चल रही मेरी BA के, और आगे यहाँ की मतलब हर चीज़ की सुविधा मिल रही, खाने की रहने की सब चीज़ की सुविधा मिल रही है हमें। और मैं मेरा गांव बहुत दूर है, मैं दुधली बबियाड़ा रहने वाला हूँ, वहाँ से रोड मारने के 7 किलोमीटर दूर है, पैदल आना पड़ता है इतना वहाँ, और वहाँ जो स्कूल भी करूँ हम 12 किलोमीटर स्कूल पैदल चलना पड़ता था, पैदल इसी हालत में चलते थे हम पैदल। वहाँ से इसके बाद फिर हल्द्वानी भेज दिया पापा ने मुझे, उसके बाद फिर यहाँ आया, यहाँ तो जुलाई में आया मैं यहाँ, तो तब से ठीक महसूस हो रहा है कि अब कर सकता हूँ आगे अपनी लाइफ में कुछ। तो यहाँ पर ज़्यादातर दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ छोटे प्रशिक्षण चलाए जाते हैं, जो बच्चों द्वारा सीखने के बाद वो अपना काम भी कर सकता है और अपने काम के साथ साथ अन्य जगह भी कई संस्थानों में भी काम कर सकता है। हमारे यहाँ वर्तमान में एक तो कंप्यूटर प्रशिक्षण है और दूसरा हम मोमबत्ती का प्रशिक्षण देते हैं, जो दिवाली के मौके पर काफ़ी अच्छा चलता है और डिमांड भी रहती है और बच्चे इसको करने के लिए रुचि भी रखते हैं। इसके साथ ही ऑफिस में प्रयोग होने वाली जो फाइल कवर हैं और लिफाफे हैं, इनका भी हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं, जिनको सीखने के बाद हमको ऑफिशियल डिमांड भी कई जगह मिलती है, वो हम आपूर्ति करते हैं। और उसके साथ ही बच्चों को ये प्रयास करते हैं कहीं पर उनको थोड़ा रोजगार वगैरह वगैरह मिल जाए और रोजगार के साथ वो अपना आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त कर सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। चालित है, इसमें प्रभारी अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे इस प्रशिक्षण केंद्र में दिव्यांग जो फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं, बॉयज हैं, उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण और मोमबत्ती बनाना, दिवाली के अवसर पर मोमबत्ती बनाना, फाइल कवर, लिफाफे मेकिंग, ये सब प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आजकल जो है दीपावली के अवसर पर बच्चे जो है रंग बिरंगी मोमबत्तियां बना रहे हैं और इसकी जो है मार्केट में काफी डिमांड भी है। और ये जो बच्चे यहाँ पे उत्पादन प्रशिक्षण के साथ जो उत्पादन करते हैं, उसके बाद जो सेल होती है तो उसमें जो है बच्चों को उसकी मजदूरी दी जाती है, प्रोडक्शन के हिसाब से जो बच्चा जितना काम करता है उस हिसाब से उनको मजदूरी दी जाती है। और ये यहाँ का उद्देश्य ये है कि बच्चों को प्रशिक्षण दें और जो काम यहाँ से सीखते हैं उसके बाद जो है अपना स्वरोजगार, अपने घर जाकर अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। और हमारे यहाँ से बच्चों ने कंप्यूटर प्रशिक्षण जो निःशुल्क है 1 साल का, वो लेने के बाद जो है बच्चे जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब पाए हैं और बैंकिंग सेक्टर में भी बच्चे निकले हैं हमारे यहाँ से और उनको काफी फायदा होता है। तो उत्तराखंड में 3 ये संस्थाएं हैं, एक पिथौरागढ़, एक ये हल्द्वानी में और एक टिहरीगढ़ वाली चमियाला में। तो दिव्यांग बच्चों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से बहुत अच्छा प्रशिक्षण केंद्र है और इसका बच्चे आए और लाभ उठाएं।